Hello students, how are you? I hope you have solved the question of previous exercise. Children, in the previous video, we had already seen what are prime number and composite number. In this video, we solve some question related to it. So let's start to solve the question. So our next exercise is exercise 4. And the question is, check whether the number is prime or कंपोजिट नंबर्स. हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें जो गिवन नंबर्स है वो प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है. तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं. सो बिफोर सॉल्व दिस क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसे रिकॉल कर लेते हैं कि प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या है. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं नंबर 5. हमने देखा था ऐसा नंबर्स जिसके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, अ नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इट्सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर. ऐसे नंबर्स जिसके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, वन एंड द नंबर इट्सेल्फ, वो दिया गया नंबर जो खुद उसका फैक्टर होता है वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स. एंड नंबर विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर. और हमने एक चीज़ और नोट देखी थी, एक हमने नोट पॉइंट में देखा था कि वन इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर. वन ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है बिकॉज इट हैज़ ओनली वन फैक्टर. क्योंकि इसके क्या होता है, ओनली वन फैक्टर होता है. प्राइम नंबर में टू फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर में मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, और वन में क्या होते हैं, ओनली वन फैक्टर होता है. इसलिए वन ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है. इट इज़ अ यूनिक नंबर. वन कैसा नंबर है, यूनिक नंबर है. सो चल इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सो हमारे पास फर्स्ट नंबर जो गिवन है वो क्या है, 5. सो हमें फाइंड करना है फैक्टर ऑफ 5. 5 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. इट मींस ऐसे नंबर्स जो 5 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं विदाउट लीविंग रिमाइंडर. इट मींस रिमाइंडर इज 0, जिसका कोई भी रिमाइंडर नहीं होता, 0 रिमाइंडर होता है. सो या फिर हम बोल सकते हैं कि 5 किस किस नंबर्स के टेबल में आता है. सो 5 1 के टेबल में आता है एंड 5 के टेबल में आता है. सो 5 के ओनली क्या है, टू फैक्टर्स है. एस देयर आर ओनली टू फैक्टर्स, 5 के ओनली टू फैक्टर है, और जिसके टू फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर. सो हैंस 5 इज अ प्राइम नंबर. सेकेंड, हाँ सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी फैक्टर्स फाइंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टर ऑफ 12. 12 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. इट मीन्स ये सारे नंबर से क्या होता है, 12 कम्प्लीटली डिवाइड होता है. और आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 के टेबल में भी 12 आता है, 1 12 ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, 6 2 ज़ार 12 एंड 12 1 ज़ार 12. सो ये जो गिवन नंबर्स है ये क्या है, 12 के फैक्टर्स है जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं विदाउट लीविंग रिमाइंडर. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इन जो गिवन नंबर्स है इसके टेबल में क्या आता है, 12 आता है. ऑब्वियसली 12 अगर इन नंबर्स के टेबल में आता है तो तभी तो उसे कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे. सो 12 के फैक्टर्स क्या है, मोर देन टू फैक्टर्स है. और जिस नंबर के फैक्टर्स मोर देन टू होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर. सो एस देयर आर मोर देन टू फैक्टर्स, हैंस 12 इज अ कंपोजिट नंबर. 12 के फैक्टर्स हमने अभी देखा था. अब क्वेश्चन नंबर सी में हम देखेंगे फैक्टर ऑफ 27 किस किस नंबर्स के टेबल में आता है. सो 1 के टेबल में 27 आता है, 2 के टेबल में 27 नहीं आता, या फिर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता. 3 के टेबल में यस, 3 9 ज़ार 27. 4 के टेबल में 27 नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, और किस में आता है, 9 में आता है. सो 9 से कितने टाइम्स होता है, 9 3 ज़ार 27. एंड लास्ट किस में आता है जब हम चेक करते हैं तो 27. सो आपको इसे सॉल्व करने से पहले टेबल अच्छे से लर्न करना है. 2 to 20 तक को हम तक का हमें टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल सॉल्व करने से पहले.
सो यहाँ पे क्या आता है 27, 27 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है. सो यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं? मोर देन टू फैक्टर्स. एज देयर आर मोर देन टू फैक्टर हैंस 27 इज अ कंपोजिट नंबर. सो 27 क्या है? कंपोजिट नंबर है. क्वेश्चन नंबर सेकंड जी है. जी में क्या है? 52. यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं. जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रही हूँ वो आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं, उसे आपको रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है. सो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ इसे आपको कॉपी में नोट करना है. सो क्वेश्चन नंबर जी इज 52. फैक्टर ऑफ 52. 52 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से ऐसे टेबल है जिसमें 52 आता है? सो यस, वन के टेबल में. वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. वन जो है वो सारे नंबर्स का फैक्टर होता है क्योंकि वन के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं. सो वन, टू, ऑब्वियसली 52 इवन नंबर है, टू से भी डिविजिबल है, टू डिवाइड करेगा कम्प्लीटली. फोर के टेबल में भी 4 ones are 4 एंड 4 threes are 12. 13 के टेबल में 4 thirteens are 52 एंड 13 fours are 52. फिर 26 के टेबल में भी 52 आता है, 52 के टेबल में भी 52 आता है. सो हमें चेक करना है कि किस किस नंबर से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है. सो एज देयर आर मोर देन टू फैक्टर्स. यहाँ पे भी क्या है? मोर देन टू फैक्टर्स है, दो से ज़्यादा फैक्टर है. इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर है. 1, 2, 4, 13, 26 and 52. 6 फैक्टर हो गए टोटल. हैंस 52 इज अ कम्पोजिट नंबर. सो 52 क्या है? कम्पोजिट नंबर है. क्वेश्चन नंबर एच 89. फैक्टर ऑफ 89. 89 के फैक्टर्स क्या है? 89 किस किस नंबर के टेबल में आता है? तो हमने टेबल देखे हैं, हमने 20 तक के टेबल में देखा है कि 89 क्या आता है? सिर्फ 1 में आता है. और उसके बाद क्या आता है? 89 में है. सो एज देयर आर ओनली टू फैक्टर्स. 89 के क्या है? ओनली टू फैक्टर्स है, हैंस 89 इज अ प्राइम नंबर. क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिस्ट द प्राइम नंबर बिटवीन 75 एंड 100. 75 से लेके 100 तक के बीच के आपको नंबर्स लिखने हैं और उसमें से प्राइम नंबर्स फाइंड करना है. बिटवीन इट मीन्स 75 के बाद हम स्टार्ट करेंगे 76. तो आप क्या करेंगे? पहले 75 से लेके 100 तक के बीच जो जो नंबर्स आते हैं वो आप पहले नोट कर लेंगे. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 और इसी तक के हम क्या करेंगे? दोनों के बीच में बोल रहा है. इट मीन्स हम 99 तक लेंगे, 100 नहीं लेंगे. अब यहाँ पे हमें बोल रहा है कि प्राइम नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं. सो यहाँ हम देख फर्स्ट नंबर से चेक करना स्टार्ट करेंगे. 76 1 से और 76 से डिविजिबल होता है, बट इसके अलावा एक और नंबर से डिविजिबल होता है, 2 से होता है, और भी नंबर्स बीच बीच में आते हैं जिनसे वो डिविजिबल होता है. तो एटलीस्ट हम 1 नंबर भी फाइंड करते हैं, तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर नहीं हुआ, कंपोजिट नंबर हो गया. तो हमने देखा था प्राइम नंबर के लिए प्राइम नंबर में क्या होते हैं? ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, 1 and itself. सो यहाँ पे 76 क्या हो रहा है? 1 और itself के अलावा 2 से भी डिविजिबल होता है, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है. तो हम इसे भी छोड़ देंगे. फिर नेक्स्ट हम चेक करेंगे 77. तो 77 भी क्या है? 1 और 77 को छोड़कर 11 में भी 11 में क्या होता है? 11 sevens are 77 and 7 elevens are भी होता है. तो यहाँ पे 77 भी क्या है? प्राइम नंबर नहीं है. 78 भी 2 से डिविजिबल होता है, 1 और ख़ुद को छोड़कर, तो ये भी क्या है? प्राइम नंबर नहीं है. 79 हमने देखा कि 79 ऐसा नंबर है जो 1 और ख़ुद को छोड़कर, मतलब 1 एंड नंबर इट्सेल्फ, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है. तो 79 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर. तो हमें हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर मिल गया. फिर 80, ये भी 2 से डिविजिबल होता है, 1 और 80 को छोड़कर. 81 भी क्या होता है? 9 nines are 81, तो 9 के टेबल में भी आता है, सो 81 भी प्राइम नंबर नहीं है. 82, 2 से डिविजिबल होता है, 1 और ख़ुद को छोड़कर, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है. 83 क्या है? हमने देखा है कि किसी भी नंबर के टेबल जो हमने देखा उसमें 83 आता है, नो. सो 83 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 के और ख़ुद के टेबल में आता है. 84 इज़ अ प्राइम नंबर, नो. 84 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 84 भी क्या हो रहा है? 2 से डिविजिबल हो रहा है. सो यहाँ पे ये भी चेक हो गया, ये भी प्राइम नंबर नहीं है. 85 5 से डिविजिबल है, 85 5 से डिविजिबल है, 1 और 5 को छोड़कर, सो ये भी प्राइम नंबर नहीं है. सो हमारे पास अभी तक 2 प्राइम नंबर्स है, 79 83. इसी प्रोसेस से हम सारे नंबर 1 by 1 करके चेक करेंगे
और हमें फिर जो नंबर मिलेगा वो 79, 83, 89 एंड 97, ये ऐसे फ़ोन नंबर्स हैं जो वन और खुद से ही डिविजिबल होते हैं विदाउट लीविंग रिमाइंडर. इट मीन्स रिमाइंडर क्या होता है, ज़ीरो होता है. सो प्राइम नंबर बिटवीन 75 एंड 100 इज़ 79, 83, 89 एंड 97. सो ये वाला भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. इसके बाद इसमें एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसे हम एक्टिविटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे. तो ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे. इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5. सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअल में होता क्या है. To break a number into its factor is called factorization. क्या होता है नंबर को क्या करना, उसके फॉर्म में ब्रेक करना क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन. सो यहाँ पे हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन को हम किसके हेल्प से अच्छे से फैक्ट वो कर सकते हैं. एंड सेकेंड इज द मेथड ऑफ एक्सप्रेशिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इट्स कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. क्या होता है, इट मीन्स हमने जो अभी डेफिनेशन देखा द मेथड ऑफ एक्सप्रेशिंग अ नंबर, क्या करना, किसी नंबर को एक्सप्रेस करना, कैसे एक्सप्रेस करना, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर. इट मीन्स प्राइम फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर क्या हो जाता है, फाइंड हो जाता है. जब हम किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड करते हैं तो उसके जो नंबर्स, इट मीन्स जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं. सो क्या कहलाता है, द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. उसके प्रोडक्ट क्या होते हैं जिसे हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर. सपोज यहाँ पे हमने एक नंबर लिया 18. अब इसे हम क्या कर रहे हैं, इसके फैक्टर फाइंड कर रहे हैं. बट इस फैक्टर को फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मेथड से फैक्टर फाइंड किया था. बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ट्री मेथड से हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व फाइंड करेंगे गिवन नंबर का. सो फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18. 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा. सो पहले हम फाइंड करना 18 क्या का, जब हम स्टार्टिंग सबसे पहला नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम 18 को कर सकते हैं एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर. वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. सो प्राइम नंबर 18 को डिवाइड करने के लिए फर्स्ट हम कौन सा लेंगे, टू. टू इज़ अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. टू कैसा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. और टू कैसा नंबर है, इवन नंबर भी है. सो टू इज़ अ स्मॉलेस्ट एंड ओनली वन इवन प्राइम नंबर. एक लौता इवन प्राइम नंबर टू है जो क्या है, स्मॉलेस्ट भी है और प्राइम नंबर भी है. सो यहाँ पे क्या होता है, टू को हम 18 से डिवाइड करेंगे. सो टू कितने टाइम्स डिवाइड करता है, टू 9 ज़ा 18. सो टू इट मीन 2 × 9 इन सर्कल 2, इट इज़ अ प्राइम नंबर. सो टू कैसा नंबर है,
प्राइम नंबर है, सो हमने 2 में क्या किया, सर्कल बना दिया और इनटू 9 लिख दिया। अब 2 हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, अब हम किस में आ जाएंगे, 9 में आ जाएंगे। सो यहाँ पे हम देखेंगे 9 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर की कंपोजिट नंबर, और हमें क्या बोल रहा है, किसी नंबर का फैक्टर फाइंड करना है, और कैसे फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। सो 9 इज़ अ प्राइम नंबर, नो, बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। 9 के कितने फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स है, 1 भी है, 9 भी है एंड 3 भी है, सो मोर देन 2 फैक्टर्स है। सो 9 इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट, नो, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सो हम 9 को भी ब्रेक कर सकते हैं। सो 9 को हम किससे, कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से नहीं, 1 से कर सकते हैं बट हमें एक्सेप्ट 1 लेना है, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। फिर 2 से, नो, 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। 3 से, 3 इज़ डिविजिबल बाई 9, सो 9 इज़ डिविजिबल बाई 3। 9 कैसा है, 3 से डिविजिबल है, और हाउ मैनी टाइम्स, 3 टाइम्स, इट मीन्स 3 आर 9, सो 9 इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू 3। नाउ 18 के अब कितने फैक्टर्स हो गए, 2 × 3 × 3। सो यहाँ पे हम 2 के नीचे 2 एज इट इज़, क्योंकि हमारा तो प्राइम नंबर हमें मिल गया था, तो एज इट इज़ नोट कर लिया हमने। अब 9 के फिर से फैक्टर फाइंड किए तो हमें क्या मिला, 3 × 3, और 3 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। सो इसे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर के क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, सो ये वही आ जाएगा। सो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए 18 के, 2 × 3, हैंस 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर, सो वी इनसर्कल दैम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सर्कल के अंदर किया, इनसर्कल इट मीन सर्कल के अंदर कर दिया। सो दस 18 इज इक्वल्स टू 2 × 3 × 3, ये क्या हो गया, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। सो इसी की हेल्प से हम अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो एक्सरसाइज 5, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री के मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व फाइंड करेंगे, किसका, 12 का। सो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो 12 को डिवाइड करता है, सो 12 को क्या करता है, डिवाइड करता है, सो 2 × 6। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 12, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 12 का हमें प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। सो 12 को सबसे पहला स्मॉलेस्ट नंबर, प्राइम नंबर जो डिविजिबल करता है वो क्या है, 2, और कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में, सो 2 × 6 आर 12, तो 2 फिक्स्ड हो गया। हम इसे क्या करेंगे, सर्कल के अंदर कर लेंगे, इन सर्कल। सो 2 प्राइम नंबर है, सो इन सर्कल 2 एज इट इज़ अ प्राइम नंबर, सो 2 हो गया सर्कल में। अब 6 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि 6 किससे किससे डिविजिबल होता है, 1 से भी होता है, 6 से भी होता है, 2 से भी होता है, और 3 से भी होता है, इट मीन्स इसके फैक्टर्स कितने हैं, मोर देन 2। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 के लिए 6 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 3 = 6, इट मीन्स 2 × 3 = 6, सो 2 and 3 बोथ आर प्राइम नंबर। सो हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा 2, जो हमने पहले सेलेक्ट किया था 2 को 12 को डिवाइड करके, 2 एज इट इज़ हो गया, और 6 के 2 फैक्टर्स क्या थे, 2 and 3, सो 2 × 2 × 3, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगा लेंगे, सो 2 = 4, 4 × 3 = 12, सो 10 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज इक्वल्स टू
टू इंटू टू इंटू थ्री. सो हमें 2 के 12 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए. और सारे नंबर्स कैसे हैं? प्राइम नंबर्स है. 2 इज़ प्राइम नंबर, 3 इज़ प्राइम नंबर. सो कैसे फैक्टर्स फाइंड हो रहे हैं? प्राइम फैक्टर्स. सेकेंड, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32. 32 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सो 32 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. सो 32 को हमने 2 से डिवाइड किया. हाउ मैनी टाइम्स? 16 टाइम्स. सो 2 इंटू 16 ये हो गया. फिर 2 हमने फिक्स कर लिया, इट मीन्स इन सर्कल, बिकॉज 2 इज़ अ प्राइम नंबर. सो 2 को क्या किया हमने? सर्कल के अंदर कर लिया. 2 हम छोड़ देंगे. अब हम किसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे? 16 के. सो 16 के हमें 2 फैक्टर्स कौन कौन से मिल गए? 2 8s आर 16. सो 2 इंटू 8, अब 2 इज अगेन हमने देखा कि ये प्राइम नंबर है, तो 2 एज इट इज़ हो गया, हमने उसे सर्कल के अंदर किया. फिर हमने 8 के फैक्टर्स फाइंड किए. सो 2 इंटू 4, इट मीन 2 4s आर 8. और सेम हमने 4 के लिए भी फाइंड किया. 4 इंटू 4 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 इंटू 2, इट मीन्स हमने 2 के जो सारे नंबर्स थे यहाँ पे, हमने एज इट इज़ इसे हम ऐसे ही जो नंबर फिक्स हो जाते हैं सर्कल के अंदर उसे हम लास्ट तक वैसे ही एक्सटेंड करेंगे जब तक हमारा लास्ट जो नंबर है कंपोजिट नंबर उसका भी फैक्टर्स फाइंड नहीं हो जाता. जैसे हमने 32 के लिए फाइंड किया तो हमारे पास 2 एंड 16 आया, तो 2 हमारा फिक्स हो गया. हमने नेक्स्ट स्टेप में 2 एज इट इज़ लिखा और 16 के फैक्टर्स फाइंड किए. सो हमें फिर से फैक्टर क्या मिले? 2 एंड 8. तो 2 हमारा फिर से क्या था? प्राइम नंबर था, इसे हमने सर्कल में लिखा. फिर हमने 8 के फैक्टर्स फाइंड किए, 2 एंड 4. सो ये पहले वाले जो 2 थे हम एज इट इज़ इसे नोट करते जा रहे थे जब तक हमारे पास लास्ट कंपोजिट नंबर था 4, इसके भी प्राइम फैक्टर फाइंड नहीं हो गए. और फिर हमने लास्ट में देखा हमारे पास कितने क्या आए? 2 2 2 2 2, इट मीन्स 5 टाइम 2 थे. 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32. सो दस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32 इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. सो हम इसी मेथड से नेक्स्ट क्वेश्चन भी फाइंड करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56. 56 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? सो सबसे पहले 56 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 से डिविजिबल है. सो हम पहले 2 से डिविजिबल करेंगे. कितनी टाइम्स में? 28 टाइम्स में. अब 2 हमारा सर्कल के अंदर हो गया, हम 2 को एज इट इज़ रखेंगे. अब 2 के 28 के हमने फैक्टर्स फाइंड किए. सो 28 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. 2 से फिर से डिविजिबल है, तो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम नंबर से ही पहले डिवाइड करेंगे. सो अगेन हमने 2 से डिवाइड किया. कितनी टाइम्स में? 14 टाइम्स में. सो 2 14 ज़ा 28. अब 2 क्या था? प्राइम नंबर था. अगेन हमने इसे सर्कल में कर लिया. और जो यहाँ पे हमने 22 इंटू 28 किया था, तो यहाँ पे जो 2 सर्कल में था इसे एज इट इज़ हमने नोट कर लिया. अब यहाँ पे 14 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, तो हमें इसके भी फैक्टर्स फाइंड करने होंगे. सो हमने इसके फैक्टर फाइंड किए. और 14 कैसा है? 2 से डिविजिबल है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर चूज़ करते हैं. तो 2 से डिविजिबल है, हाउ मैनी टाइम्स? 7 ज़ार. तो 2 7 ज़ार 14. सो हमने 2 2 2 एंड 7 4 फैक्टर्स फाइंड किए 56 के लिए. दस फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72. सो हमारा प्राइम फैक्टर फर्स्ट जो हम फाइंड करना स्टार्ट करेंगे 72 से. और 72 इवन नंबर है, तो ये भी 2 से डिविजिबल है और 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. हाउ मेनी टाइम्स? 36 टाइम्स. यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा लेंगे बीच में. सो 36 टाइम्स. फिर 2 फिक्स्ड हो गया, 2 प्राइम नंबर फाइंड हो गया. सो हमने उसे सर्कल के अंदर करके फिक्स्ड कर लिया. फिर 36 2 से डिविजिबल है, कितनी टाइम्स में? 18 टाइम्स में. सो 2 क्या है? प्राइम नंबर. फिर उसे सर्कल में कर लिया. फिर 18 कैसे होगा? 18 भी 2 इंटू 9, 2 9s आर 18. एंड 9 के लिए अगेन हम क्या करेंगे? इज आर 9. सो हमें जो लास्ट प्राइम नंबर मिला वो क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. दस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 9, 84 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 एंड क्वेश्चन नंबर 10, 100 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है. इसमें कुछ क्वेश्चंस जो स्किप किए हैं हुए हैं वो आपके प्रैक्टिस वर्क है. इसे आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी या रफ कॉपी में सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे और आंसर चेक करेंगे. तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो डिविजिबिलिटी रूल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो आज आप यहीं तक कंप्लीट करेंगे.
इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे।